आगे बढ़ते हैं खबरों में। आपको बता दें, आईएएस रानू साहू रायगढ़ लौटी हैं। दो दिन की छुट्टी के बाद रायगढ़ लौटी आईएएस रानू साहू का ईडी को पत्र, जिसमें उन्होंने जांच और पूछताछ में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। और पत्र इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है। ये पत्र की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जो आईएएस रानू साहू ने ईडी को दिया है। दो दिन की छुट्टी के बाद रायगढ़ लौटी है रानू साहू, जहां उन्होंने जितनी भी जो जांच हो रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसमें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो आईएएस रानू साहू रायगढ़ लौटी हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दो दिन की छुट्टी के बाद रायगढ़ लौटी है आईएएस रानू साहू। जांच और पूछताछ में हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो इस पूरे खबर के बारे में आपसे विस्तार से जानकारी चाहेंगे, क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, बीते मंगलवार से सुबह तड़के 5 बजे से ईडी की कार्रवाई होती है। ईडी की कार्रवाई के बाद किस तरीके से पूरे प्रदेश में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, महासमुंद और उसके साथ बात की जा रहा है, पूरा हल्ला हो जाता है। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो राजनेताओं के बयान, मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के नेता हो, भाजपा के नेता हो, सब एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी शुरू कर देते हैं। इसके इतर अगर बात की जाए, तमाम ऐसी खबरें हवा में तैरती हैं। कोई कहता है कोई चला गया है, कोई कहता है कोई आ गया, इस तरह की तमाम खबरें चलती हैं। ये खबरें कुछ अपुष्ट खबरें हैं, लेकिन जानकारी ये निकल के आई है, जितनी भी कारोबारी हैं कोयले से जुड़े हुए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कारोबारी हो, ये कोयले से जुड़े हुए जितने भी कारोबारी हैं, 1 से 2 महीने अगर पीछे जाएंगे तो आईटी की जब रेट पड़ी थी, तो आईटी की रेट के दौरान कोयला कारोबार से जितने भी डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए थे, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। अभी भी जो पूछताछ की जा रही है, वो कोयला कारोबारी हैं जितने भी, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, चाहे वो उनके चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इन सब के ऊपर कार्रवाई की गई है, इन सब से पूछताछ की जा रही है। इसके ऊपर अगर बात की जाए, कलेक्टर रानू साहू का पत्र जो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जो वायरल हो रहा है, उस पत्र के माध्यम से अगर बात की जाए, कलेक्टर रानू साहू को लेकर चर्चा ये की जा रही थी कि वो विशाखापट्टनम चली गई हैं, कोई कह रहा था वो दिल्ली चली गई, लेकिन अगर बात की जाए तो उनका एक पत्र जारी हुआ है। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए साफ साफ उस पत्र में लिखा है, बिंदुवार तरीके से पूरा विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा है कि मैं 10 और 11 की छुट्टी ले चुकी थी, और 10 और 11 की छुट्टी मैं पहले ही ले चुकी थी। मेरी एक छोटी सी सर्जरी थी जिसको लेकर मैं हैदराबाद गई थी, हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल गई थी, जहाँ से सर्जरी कर लौट आई हूँ, और जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा। देखिए, उसमें जिक्र किया गया है, ईडी जिस भी प्रकार की जांच कहेगी, जिस भी प्रकार की बात करेगी, उसमें पूरा सहयोग किया जाएगा। मैं स्वयं एक जिला दंडाधिकारी हूँ, मैं एक पद पे हूँ, तो हर तरह का सहयोग किया जाएगा, क्योंकि खबरें जिस तरीके से तैर रही थी हवा के अंदर, कोई कह रहा था उनका बंगला सील कर दिया गया, तमाम चीज़ें, तमाम बातें इस 3 दिन के भीतर, बीते मंगलवार से आज गुरुवार में हम खड़े, तमाम चीज़ें, तमाम बातें और तमाम खबरें हवा में जिस तरीके से तैर रही थी, उस पर विराम लग गया, क्योंकि देर रात जब उन्होंने पत्र लिखा, पत्र में पूरा जिक्र किया उन्होंने, और तो और जो यशोदा हॉस्पिटल के जो डॉक्यूमेंटेशन है, जितने भी जो उनकी सर्जरी हुई है, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है, जो उनका ओपीडी का पर्चा बना, वो सब उन्होंने संलग्न किया और ईडी दफ्तर में भिजवाया कि ये सब डॉक्यूमेंटेशन है, मैं छुट्टी पहले ले चुकी थी, इस वजह से मैं हैदराबाद गई थी, मैं लौट आई हूँ। लेकिन सहयोग किया जाएगा, क्या माना जा सकता है, जिस तरह से उन्होंने जांच और पूछताछ में हर संभव मदद का भरोसा दिया, तो क्या ईडी अब रानू साहू को किसी तरह की पूछताछ के लिए बुला सकती है? देखिए, अपनी तरफ से उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कुछ भी अगर आपको जानना है, कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए, तो मैं अवेलेबल हूं।
आप मुझे बताइए, मैं हर चीज का जवाब दूंगी। आप कहेंगे तो मैं वहां आके जवाब दे दूंगी। अगर आपके अधिकारी रायगढ़ आते तो मैं वहां जवाब दे दूंगी। तो सीधा सीधा उस पत्र के माध्यम से क्लियर कर दिया गया, क्योंकि उस पत्र में 12 तारीख की डेट डली हुई है, 12 तारीख यानी बीता कल, और उसके ऊपर उनके स्वयं के साइन है, क्योंकि रायगढ़ की वो जिला अधिकारी, रायगढ़ की वो कलेक्टर है, कलेक्टर के साथ साथ जिला दंडाधिकारी भी है, DM है। तो समझा जा सकता उस पत्र के माध्यम से उन्होंने बहुत सारी चीजों को, और जो तैरती हुई खबरें थी 3 दिन के भीतर की, उन सब पे विराम लगा दिया है। ये अपने अपने बड़ी बात है, क्योंकि एक कलेक्टर के ऊपर इस तरह का आरोप लगना, एक कलेक्टर को लेकर तरह तरह की बातें जब हो जा रही थी, उन सबको विराम लगाते हुए पत्र मार्केट में आया। और पत्र आने के बाद इंडिया न्यूज पे हाथ ये पत्र लगा, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं उस पत्र की। तो इस पत्र के माध्यम से तमाम चीजें, क्योंकि पत्र में 2 लाइन नहीं लिखी गई है, पत्र में विस्तृत और बिंदुवार तरीके से सब चीजों का उन्होंने जिक्र किया कि मेरी छुट्टी पहले से थी, मैं पहले ही छुट्टी ले चुकी थी, और जो मेरी एक सर्जरी होनी थी, जिस सर्जरी के लिए मैं हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल गई थी, वहां से मैं लौट आई हूँ। अब आपको जो भी चाहिए, जो भी जानकारी चाहिए, उसके लिए मैं तैयार हूँ। इसके इतर अगर बात की जाए, जो तमाम दूसरे अधिकारियों के जो है अपुष्ट खबरें हैं, कुछ जानकारी निकल के आई है कि उनसे ED पूछताछ कर रही है। उसके अलावा कुछ बिजनेसमैन हैं जो कोयले के कारोबार से जुड़े हैं, उनसे ED पूछताछ कर रही है। तो ये समझा जा सकता है कि अभी फिलहाल जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, ये पूरा मामला है जो ये कोयले के कारोबार से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार अगर 2 महीने पूर्व की बात करें, तो जो डिजिटल साक्ष्य जुटाए गए थे IT रेट पे, जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।